देखो अभी महिला संगठन क्या उसके लिए मतलब कदम उठाएगी, उससे आप मतलब आगे का हल निकलेगा ना। अब वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, अभी हल तो निकला नहीं है कुछ, बात वो है। मगर गलत गलत किया इसने, नहीं बोलना मांगता था ना उसको, बोलता नहीं तो वो लफड़े होते नहीं थे ना ऐसा। उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, अभद्र भाषा है तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि एक फिल्मी स्टार है वो, और प्लस में उनको जो है अभी एक्टर में आके ऐसे अभद्र भाषा जो नहीं देने चाहिए। देखो मुझे तो ऐसा लगता है वो सुपरस्टार है, उनको तो सिर्फ उनके एक्टिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सो रही महिलाओं की बात, तो महिलाओं के ऊपर जो सोशल असर होता है वो महिलाओं को ही पता होता है कि जो हमारे ऊपर क्या बीते है उनको ही पता होता है। तो सलमान खान भले सुपरस्टार हो पर उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या फील करते हो, तो ह्यूमन भी नहीं, वो तो इंसान है। वो एक्टिंग पे ध्यान दे, अपने अपने करियर पे ध्यान दे, और हम आज हमें इसके लिए वो है, आज हम उनके पीछे देखते हैं, इनके लिए उनको डिमांड है इतना सोसाइटी में। सो मुझे ऐसा लगता है सलमान खान को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनके भले फैन हो पर जो महिलाओं के ऊपर होता है वो महिलाओं को भी पता है। सो मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उनको ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने बोला। और अगर महिला आयोग को गलत, महिला आयोग का काम है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए काम करना, तो उनको अगर गलत लगा होगा तो उनको उसके लिए तो सलमान खान को फिर माफ़ी मांगना पड़ेगा। यानी गलत ही है इस तरह से बाहर आके इतना, मतलब उसमें नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको महसूस भी हुआ तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो ठीक, आज़ाद देश है, लेकिन थोड़ी ना है कि कुछ भी कर सको, है कुछ लिमिटेशंस हैं उसके लिए। भले उनको महसूस हुआ हो, लेकिन इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।